एक WWE फैंस होने पर सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब आपके इमोशन के साथ खेला जाता है। इतने सालों में अक्सर एरिना के शोर और यहाँ तक कि फैंस के साइंस को भी बदल देते हैं अगर वो उनकी कहानी के मुताबिक नहीं होता। इससे WWE का असली जादू खो जाता है, लेकिन WWE को बेहतर पता है और वो समझते हैं कि फैंस असल में क्या देखना चाहते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में WWE के 5 ऐसे मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जब WWE ने जानबूझकर अपने फैंस को धोखा दिया। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द एजी स्टाइल्स डे। WWE में रूसेव डे चैंप के फेमस हो जाने के बाद उन्होंने रूसेव को कोई खास पुश देकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करी। अपने दम पर आगे बढ़ने वाले रेसलर को पुश देने के मामले में WWE हमेशा ही काफी जिद्दी बन जाता है, और अगर वो कोई ऐसा रेसलर भी हो जिनका WWE साथ देना भी चाहता है तब भी ऐसा होने पर वो उन्हें रोकने के लिए जी जान लगा देते हैं। जब 2018 में पेज के स्मैकडाउन का नया GM बनाया गया तब उन्होंने एक प्रोमो दिया जिसमें उन्होंने बताया कि शो पर डैनियल ब्रायन किसी का सामना करने वाले हैं। ब्रायन को ओपिनियन का नाम बताने से पहले पेज थोड़ी देर के लिए रुक गए, जिसकी वजह से फैंस ने पूरे एरिना में रूसेव और रूसेव डे के नाम का शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात ये हुई कि पेज ने अनाउंस करी कि ब्रायन का सामना एजी स्टाइल से होने वाला है। WWE के YouTube चैनल पर इस सेगमेंट को अपलोड करते समय इस वीडियो में WWE ने रूसेव के नाम के शोर की जगह एजी स्टाइल के नाम का नकली शोर डाल दिया। ये बात बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी और ये फैंस को एक बड़ी बेइज्जती लगी थी। नंबर 2, द LA नाइट फियास्को। जब से LA नाइट अपने पुराने LA नाइट वाले किरदार में वापस आए हैं तब से वो फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं, लेकिन WWE ने हमेशा ही एक बेबी फेस में बदलने से हिचकिचाता रहा है। हालांकि उन्हें स्मैकडाउन पर हर हफ्ते फैंस से बहुत प्यार मिलता है, लेकिन WWE ने कंपनी के एक टॉप हील के तौर पर रखना चाहती है। मई 2023 में स्मैकडाउन को टेप किया गया था क्योंकि WWE इस दौरान सऊदी अरब में एक शो कर रहा था जब LA नाइट रिक बुक्स के खिलाफ अपने मैच के लिए बाहर आए। तब WWE ने फैंस के शोर को पूरी तरह से एडिट कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने वीडियो में नाइट के खिलाफ कुछ नकली बू की आवाज भी डाल दी। WWE ने ऐसा करते हुए कुछ छिपाने की कोशिश भी नहीं करी और वो आवाज पूरी तरह से नकली लग रही थी। सोशल मीडिया पर फैंस ने WWE के इस धोखे के लिए उनकी बहुत आलोचना करी थी, और ये बात बिल्कुल बकवास लगती है कि WWE को लगा था कि कोई उनकी ऐसी हरकतों पर ध्यान नहीं देगा। नंबर 3, द 1992 रॉयल रंबल। 1992 का रॉयल रंबल हल्क होगन के कैरियर के लिए एक अच्छी रात नहीं थी। होगन ने रंबल मैच में हिस्सा लिया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ऑडियंस उनके खिलाफ शोर मचा रही थी। लोगों के इस नेगेटिव रिएक्शन पर कमेंट्री के दौरान कोई बात नहीं करी गई और WWE ने शो में फैंस की आवाज को बदल कर ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि उस रात फैंस कंपनी के सबसे बड़े बेबी फेस के खिलाफ नहीं थे। और उस मैच को लाइव देखने वाले फैंस ने बताया कि जब सिड जस्टिस ने होगन को मैच से बाहर किया था तब सब ने उन्हें चेयर किया था, लेकिन WWE ने लोगों के इस शोर को बदलने का फैसला किया। रेसलिंग इन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान खुद सिड ने बताया कि होगन लॉकर रूम में चिल्लाते हुए आए थे क्योंकि वो अपने फैंस के इस नेगेटिव रिएक्शन की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। नंबर 4, सर्वाइवर सीरीज 2014। WWE का धोखा केवल फैंस के शोर और उनके साइंस में बदलाव करने तक की लिमिट नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी वो कुछ बड़े मैचेस और नियमों को एडवर्टाइजमेंट कर दिया करते थे और वक्त आने पर मैचेस नहीं करवाते थे। हालांकि WWE इस रूल का इस्तेमाल जरूर करता है कि कार्ड पर मौजूद मैचेस बदले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इस बात का कोई जायज वजह नहीं हो सकती कि WWE पैसे देकर आने वाले अपने फैंस को उनकी पसंद के कुछ बड़े मैचेस दिखाने में नाकाम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2014 में WWE ने सर्वाइवर सीरीज में एक टीम सीना वर्सेस टीम अथॉरिटीज के बीच एक मैच का एडवर्टाइजमेंट किया था। अगर इसमें टीम सीना की जीत होती तो टीम अथॉरिटी की सारी ताकतें छीन ली जाती और उन्हें WWE टेलीविजन से हटा दिया जाता। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये रही कि इस दौरान WWE को लेकर और खास करके अथॉरिटीज के एंगल को लेकर फैंस ज्यादा खुश नहीं थे और वो अथॉरिटी को टीम को सच में WWE टेलीविजन से बाहर होते हुए देखना चाहते थे। इसकी वजह से वो फैंस जो WWE में दिलचस्पी खो चुके थे और कुछ महीना पहले ही WWE देखना बंद कर चुके थे वो आखिरकार वापस आ गए। लेकिन इस शो के केवल एक ही महीने बाद अथॉरिटी फिर से टेलीविजन पर वापस आ गए, जिसकी वजह से पूरा एंगल सिर्फ के बर्बादी लगने लगा। WWE ने जानबूझकर लोगों को ये दिखाने की कोशिश करी कि उनके प्रोडक्ट में बहुत बदलाव होने वाला है, लेकिन ये बस उनकी सेल्स का एक खराब तरीका था। नंबर 5, द सासा बैंक साइन। मई 22 में जब बैंक्स और नॉमी WWE छोड़कर चली गई तब WWE ने ठान लिया कि वो अब से ऐसा दिखा
दिखाएंगे, जैसे उन दोनों का इस कंपनी में कोई वास्ता ही नहीं था। यहाँ तक कि WWE ने उन दोनों के सपोर्ट में दिखाए गए फैंस के साइन में भी अपने मुताबिक बदलाव कर दिए। और हमें 2022 के समर्स में ऐसा देखने को मिला। 17 जून 2022 के स्मैकडाउन एडिशन पर फैंस के बीच में एक साइन देखा गया जिसमें लिखा था शासा क्रू फॉर लाइफ। हालांकि साइन से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन WWE ने अपने सभी प्लेटफॉर्म पर इस शो की फोटो से इस साइन को हटा दिया। WWE अपने फैंस को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा था और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बैंक्स और नॉमी के चले जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग ही था।